आकाशवाणी हमीरपुर के प्रमुख सुरेश शर्मा को उनके सराहनीय कार्यों के लिए एफएम रेडियो फैन क्लब ने सम्मानित किया। पहाड़ी भाषा व संस्कृति को आकाशवाणी हमीरपुर के प्रमुख सुरेश शर्मा को उनके सराहनीय कार्यों के लिए एफएम रेडियो फैन क्लब ने सम्मानित किया। पहाड़ी भाषा एवं संस्कृति को आकाशवाणी हमीरपुर के माध्यम से रेडियो प्रेमियों तक पहुंचाने में काफी सराहनीय काम के चलते एफएम रेडियो फैन क्लब ने सुरेश शर्मा को सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में क्लब के प्रधान पूजन भंडारी व महासचिव बहादुर सिंह, तिलक राज टांक, अनुज कुमार संदेशा, रंजना सुरेंद्र, संजीव प्रकाशा, प्रीति आदि उपस्थित रहे। एफएम रेडियो फैन क्लब के अध्यक्ष पूजन भंडारी ने बताया कि आकाशवाणी हमीरपुर के प्रमुख सुरेश शर्मा को उनके सराहनीय काम के लिए सम्मानित किया है। उन्होंने बताया कि सुरेश शर्मा के प्रयासों से आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए बेहतर काम किया जा रहा है, जिसके लिए सम्मानित किया गया है। मेरा नाम पूजन भंडारी है और मैं नुकुटा बगमा का रहने वाला हूँ। आज हम यहाँ आए हैं आकाशवाणी हमीरपुर में और हमारा एक ग्रुप है एफएम रेडियो फैन क्लब और हम आकाशवाणी धर्मशाला भी सुनते हैं और आकाशवाणी हमीरपुर भी सुनते हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे उसमें मेंबर हैं और हम लोगों को हमेशा प्रेरित करते हैं रेडियो सुनने के लिए। और रेडियो जो है, जितने भी कार्यक्रम उसके प्रसारित होते हैं रेडियो के ऊपर, उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है उन कार्यक्रमों को बनाने के लिए, उनको आगे प्रसारित करने के लिए। तो हम आज हमीरपुर में आए हैं हमारे बड़े भाई सुरेश शर्मा जी, जो कि आजकल हमीरपुर में कार्यक्रम प्रमुख के यहाँ पे अहदेदार हैं और उससे पहले ये धर्मशाला में भी कार्यक्रम प्रमुख रहे हैं। बहुत से कार्यक्रम मानते हैं, लेकिन जब कार्यक्रम किसी और भाषा में, हिंदी भाषा में हो तो लोग सब सुनते हैं, लेकिन अगर कोई कार्यक्रम पहाड़ी भाषा में हो तो लोग उसको ज्यादा चाव से सुनते हैं और ज्यादा आकर्षित होते हैं रेडियो को सुनने के लिए। तो आज हम स्पेशल एफएम रेडियो फैन क्लब के सदस्य जो हैं वो हम यहाँ आए हैं हमीरपुर में और इनके एक अच्छे कार्यक्रम के लिए इनको हम बधाई भी देते हैं और आज हम इनको सम्मानित करेंगे इनके जो द्वारा प्रसारित हो रहे कार्यक्रम को देखते हुए। महासचिव बहादुर सिंह ने बताया कि पहाड़ी भाषा व संस्कृति को आकाशवाणी हमीरपुर के माध्यम से रेडियो प्रेमियों तक पहुंचाने में काफी सराहनीय काम किया है, जिसके चलते ही आज एफएम रेडियो फैन क्लब के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि हमारे जो सुरेश जी शर्मा जी हैं, ये बहुत ही अच्छे कार्यक्रम करते हैं और इनका प्यार जो है हमें यहाँ पर खींच कर लाया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे हिमाचल की जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, जब से रेडियो स्टेशन के यहाँ प्रमुख रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया उसको। क्योंकि अक्सर हम प्रोग्राम सुनते हैं बाकी अदर स्टेटों के भी, अपनी अपनी भाषा में सभी कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर एक तमन्ना थी कि हमारे जो रेडियो स्टेशन है यहाँ से भी पहाड़ी बोली के कार्यक्रम और हमारे संस्कार गीत जितने भी है, शादी ब्याह के जो भी जितने भी गीत आते हैं, जैसे नए बच्चे जब पैदा होते हैं उनके गीत अलग होते हैं, हमने इनसे कई बार रिक्वेस्ट की और इन्होंने हमारी इस मतलब जो समस्या थी हमको आज तक और हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको समझा, सुना और बहुत से कार्यक्रम लागू किए। जब धर्मशाला में थे तब भी गप्पू के नाम से मशहूर थे और जब हमीरपुर में आए तो भी इन्होंने पहाड़ी नाटक जो हैं बड़े अच्छे, मतलब जैसे कि एक प्रोग्राम आता है शाम के टाइम पर, आप सभी सुनते होंगे, रेडियो दितान, ये कार्यक्रम हमीरपुर का काफ़ी लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ और तभी से हमारी तमन्ना थी कि एक दिन हम हमीरपुर में जाकर इनको सम्मानित करेंगे। आकाशवाणी हमीरपुर के प्रमुख सुरेश शर्मा ने कहा कि आकाशवाणी के द्वारा श्रोताओं को बढ़िया सेवाएं देने के लिए प्रयास किया जाता है और आने वाले समय में अपने मोबाइल पर ही एफएम की सेवाएं उपलब्ध होंगी, इसके लिए काम चल रहा है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे, वैसे तो अक्सर हम फोन के माध्यम से ही बातचीत करते थे रेडियो फैन क्लब के सदस्यों से, क्योंकि ये बहुत सुनते हैं, बड़ी रुचि के साथ सुनते हैं आकाशवाणी हमीरपुर को और बड़ा सराहते हैं और इनकी सराहना से हमारा मनोबल ऊंचा होता है और हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है।
और हमारा अथक प्रयास रहा है कि हम अपने श्रोताओं की रुचि के अनुसार कार्यक्रमों का प्रसारण करें। तो आज ये इनका प्रेम ही, हमारा प्रेम कहो इनका प्रेम कहो, खींच के ले आया है इनको यहाँ हमीरपुर में। और ये इतनी सुंदर, मैंने तो अभी देखी भी नहीं, ये भेंट इन्होंने मुझे प्रस्तुत की है, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और बाकी समय में बदलाव तो होता ही रहता है व्यक्ति के जिंदगी में, पहले बचपन होता है, फिर जवानी होती है, किशोरावस्था होती है, फिर आगे चलता जाता है क्रम। तो इसको तो हम बड़े सहर्ष से स्वीकार करते हैं, और जब तक हैं आप, आपके लिए हाजिर रहेंगे, ऐसे भी नहीं है कि हम लुप्त ही हो जाएंगे, कभी कभार जरूर आपसे रूबरू हुआ करेंगे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी ग्रुप के मेंबर्स का। और ये स्मरणीय जो पल हैं ये मेरे हमेशा दिल में रहेंगे और मुझे प्रेरित करते रहेंगे, और आगे आप लोगों की रुचि के अनुसार और अच्छा कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करने के लिए। और इसके बाद जो जिम्मेवारी जाती है हमारे यहीं साथ ही हैं अनुज जी, ये मेरे साथ ही खड़े हैं, तो ऐसे बच्चों के और आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रमों को रुचिकर बनाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसी प्रकार टॉक साहब हैं या हमारे दूसरे अन्य सदस्य हैं, इनकी वजह से जो है आकाशवाणी हमीरपुर जो है हमारे उद्घोषक हो गए, कंपेयर हो गए, इनके कारण और आगे बढ़ेगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की जो है करेगा, यही इसी अभिलाषा के साथ।